लौकिक कर्म के प्रसंग में कही गई है। हम लोग जो अपने घर का काम धंधा करते हैं उसको कैसे करना चाहिए ये सिखाने के लिए गीता है। तत्व तो एक ही होता है, चाहे यज्ञशाला में काम करो, चाहे जंगल में रहो, अरण्य भूमि में, चाहे रण भूमि में रहो, चाहे काम करो चाहे निकम्मे रहो, तत्वों में तो कोई फर्क पड़ता है, वो तो है ज्यों का त्यों। गीता कर्म करने की ऐसी विधि ऐसी रीति बताती है कि हमारे जीवन के सारे कर्म मुक्ति के लिए हो जाए, हमें बंधन से छुड़ा लें। धर्म होता है आज्ञा की प्रधानता से, चाहे आज्ञा शास्त्र की हो, गुरु की हो, संप्रदाय की हो, अपने बड़े गुरुओं की हो, आज्ञा पालन के बिना धर्म संपन्न नहीं होता है। क्योंकि बिना आज्ञा के जो धर्म समझकर किया जाएगा वो यदि सफल होगा तो अभिमान बढ़ाएगा और निष्फल होगा तो गिलानी कारण। लेकिन जब आज्ञा के अनुसार किया जाता है तो न तो उससे अभिमान बढ़ता है और न तो गिलानी। आज्ञा के अनुसार क्रिया होनी चाहिए और भक्ति होती है उद्देश्य की प्रधानता से। उद्देश्य माने किसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो वैसे आज्ञा और अनुमति में भी फर्क होता है। आज्ञा हुई ये काम करके लाओ, ये तो आज्ञा हो गई। और महाराज हम ये काम करिया में, ये आज्ञा नहीं हुई, ये अनुमति हुई हो, इसके लिए हाँ हाँ करिया, इसका नाम अनुज्ञा अनुमति होता है। आज्ञा में और अनुज्ञा में अंतर होता है। तो अनुज्ञा में भी अपनी विशेषता बनी रहती है, करने वाला यही समझेगा कि हमने कितना बढ़िया काम किया या करने में हमसे गलती हो गई। तो अनुज्ञा भी धर्म नहीं होती है, आज्ञा धर्म होती है। चोदना लक्षण और धर्मा, और भक्ति में उद्देश्य की प्रधानता होती है, किसके लिए कर रहे हैं। एक गोपी है, वो गाय दे रही है, वो धान कूट रही है, वो दही बन रही है, घर लिख रही है, ये क्या है। वो गाय दूध रही है इसलिए कि श्याम सुंदर आ जाएंगे और मैं उनके मुंह में दूध दूंगी,
हमारे घर में जब इसका दही जमेगा और जब मक्खन निकलेगा तब वो आके खा जाएगा। खर इसलिए लीप रही है कि जब श्याम सुंदर आएंगे तो उनके पांव के लिए कोई कूड़ा करकट घर में नहीं रहेगा, साफ रहेगा। इसका नाम भक्ति। गाय दुहना भी भक्ति है, धान कूटना भी भक्ति है, दही मथना भी भक्ति है। तो भक्त लोग यहाँ तक कहते हैं कि जैसे हम लघु शंका कर जाए, शौच हो आए, इसलिए हुआ है कि यदि हम लघु शंका करके तैयार रहेंगे और शौच जाके तैयार रहेंगे, स्नान करके तैयार रहेंगे, तो अपने प्यारे की सेवा करने में हमको सुविधा होगी। यदि हम ठीक समय से नींद ले लेंगे तो उनके उठने से पहले जाग जाएंगे। भक्त का काम है पीछे से सोना और पहले जगना। उसका सोना जागना भी अपने लिए नहीं है, उसका मूत्र करना और शौच जाना भी अपने लिए नहीं है। वो अपना बाल संवारे और स्वयं बढ़िया कपड़ा पहन ले, पर अपने लिए नहीं। इसको देख करके हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे इसके लिए। तो भक्ति में उद्देश्य की प्रधानता होती है और योग में ये देखना पड़ता है कि ये काम जो हम कर रहे हैं वो हमारे अंतर्मुख होने में सहायक है कि नहीं, जिससे मनोवृत्ति बिखरती हो संसार में। अवतार लेने का अर्थ ही हुआ कि वो सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर रखता है, या किसी किसी महापुरुष को भेज देता है। पैगंबर भी आते हैं संदेश लेके, बेटे को भी भेजता है, स्वयं भी आता है। दूत भेजना दूसरी चीज है, बेटा भेजना दूसरी चीज है, और स्वयं का आना दूसरी चीज है। आप देख लो, किसी के यहाँ नौकर के हाथ से आप चिट्ठी भेजते हैं, किसी को अपने किसी के यहाँ अपने बेटे को भेजते हैं, किसी के यहाँ स्वयं जाते हैं, तो उसमें फर्क होता है। तो संपूर्ण विश्व की रक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी जिस पर है वो अपना संभालता है। इसलिए योगी संसार की ओर से निश्चिंत होकर ईश्वरार्पण करके, ईश्वर प्रणिधान करके, परम गुरु ईश्वरे सर्वकर्मार्पणम करके अंतर्मुक्त होते हैं। ज्ञानी के लिए न कोई आज्ञा देने वाला है और न तो उसका कोई उद्देश्य है और न तो निरोध का प्रयोजन है। तब जैसी प्रतीति है वैसा ठीक है। ब्रज भूमि में असुर आ जाएं तो वहां के गोपी ग्वाल ब्रज भूमि को छोड़कर भागते नहीं है, भगवान उनकी रक्षा। और यदि गर्गाचार जा जाएं, उद्धव जी आ जाएं, नारद जी आ जाएं, तो उनके साथ पीछे लगते नहीं हैं कि अब तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते। गोपियों को कंस की कभी याद नहीं आती, आए हुए असुरों की कभी याद नहीं आती। इसको प्रेम में कलंक माना जाता है कि प्रेमी के हृदय में क्षण भर के लिए भी कृष्ण के सिवाय और कोई आ गया। ये प्रेम की भाषा में, भक्ति की भाषा में इसको व्यभिचार मानते हैं।
गीता में भी सर्त में व्यभिचार शब्द का प्रयोग है। माम से जो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते, मई चानन्य योगे न भक्ति रव व्यभिचारिणी। एक दिन श्री राधा रानी बहुत दुखी हो रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या बात है प्रिया जी? स्वामिनी आप क्यों दुखी हो रही हैं? बोले कि मुझे एक क्षण के लिए चंद्रावली का स्मरण हो गया। आपका स्मरण छोड़कर मैंने चंद्रावली का स्मरण क्यों किया? आपका विस्मरण हुआ तब न चंद्रावली का स्मरण हुआ। तद विस्मरण परम व्याकुल, अपने प्यारे को अपने इष्ट देव को छोड़कर कुशल अकुशल का स्मरण कौन करना कौन करे। आपने वो सुना होगा कोई स्त्री अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही थी और एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था। वो स्त्री अपने उद्देश्य में अपनी यात्रा में इतनी मगन थी कि देखा नहीं उसने कि यहाँ कोई उस नमाज पढ़ रहा है। उसका पाँव लग गया, पाँव लग गया तो वो सज्जन नमाज छोड़ के और उसके ऊपर फैल पड़े, लगे गाली देने। वो बोली, नरराची मैं ना ले, मैं एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी और तुम खुदा की इबादत में लगे हुए थे, ईश्वर की आराधना कर रहे थे और तुम उसको छोड़ करके हमारा विरोध करने लगे। संसार में क्या कुशल है और क्या अकुशल है, न कुछ बुरा है न कुछ अच्छा है, जो कुछ है सो है, जैसा मालूम पड़ता है वैसा है। वेदांत में मालूम पड़ना और होना ये दोनों अलग अलग नहीं होता है। अद्वैत वेदांत में मालूम पड़ना और होना ये अलग अलग नहीं होता, और इसके सिवाय सृष्टि में जितने वेदांत हैं और जितने दर्शन हैं जितने मत मतांतर हैं उनमें होना अलग होता है और मालूम पड़ना अलग होता है। क्योंकि मालूम पड़ता है एक देह में बैठ, ये मैं दर्शन शास्त्र का गहन सिद्धांत आपको सुना रहा हूं, सुनने में मालूम पड़ेगा कि ये हल्की फुल्की बात है, पर ये हल्की फुल्की बात नहीं है, ये दर्शन शास्त्र का गहन सिद्धांत। जो कुछ हो रहा है सो प्रतीति मान मालूम पड़ता है। तो यहां देखो क्या वर्णन किया कि अकुशल होता है होने दो और कुशल आता है आने दो। जब तुम फल की ओर मत देखो त्यागी, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम् नवद्वारे पुरे देही नैव दुर्बन्न कारयन्। मन से सब कुछ छोड़ दे, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अरे बुखार चढ़ जाया तेरे को, अध्यात्म ज्ञान से सारे कर्म मुझे अर्पित कर दे, मुझ में संन्यस्त कर दे,
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मा चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व। कोई आशा नहीं है, कोई ममता नहीं है, हमारी जीत होगी ये आशा नहीं है, और हमारे भाई का राज्य होगा तो ये ममता नहीं है, दिल धड़कने का कोई कारण नहीं है। युद्धस्व विगत ज्वरा त्यागि सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो धर्मात्मा का त्याग दूसरा है, भक्त का त्याग दूसरा है, योगी का त्याग दूसरा है, ज्ञानी का त्याग दूसरा है। यह वर्णाश्रम का विचार नहीं है कि सन्यासी है कि गृहस्थ, ये विचार नहीं है। यहाँ तो त्याग सामान्य का विचार है। जस्तु कर्म फल त्यागी सो त्यागी यविधीयते। तुम कर्म फल को अपने साथ जोड़ना चाहते हो, यदि इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जीवन में उस फल को ग्रहण करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म संस्कार बड़ा प्रबल होता है, वो प्राणों के साथ मिल जाता है, प्राणों में गति होती है। कर्म संस्कार और प्राण दोनों मिलकर जीवात्मा को कहीं से कहीं ले जाते हैं। प्राण में होती है गति और शरीर में होते हैं संस्कार, मन में अंतकरण में होते हैं संस्कार, प्रज्ञा में होते हैं संस्कार और प्राण में होती है गति। और तुम अपने स्वरूप को भूलकर छोड़कर उनमें आके बैठ गए हो, ऐसे रथ में आके बैठ गए हो जिसमें मन संस्कार से युक्त है और प्राणों में गति है, रथ भी है ड्राइवर भी है, और तुम रथ में बैठे हो और तुम्हारा मन अमुक जगह पहुंचने का है तो वो ले जाए। इसलिए जो त्यागी होता है कार्य वित्ते वजत कर कर्तव्य रूप से, आपको याद होगा गीता के 12वें अध्याय में श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ज्ञानम विशिष्यते ज्ञानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिरनंतरम। वहां ध्यान से भी पढ़कर बताया है कर्म फल त्याग। ध्यान से बड़ा कौन, ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिरनंतरम। क्योंकि त्याग में और शांति में कोई बीच बिचाओ कोई व्यवधान नहीं है, निरंतरम ज्ञानात शांति अनंतरम अनंतरम अंतरम विनैव। ज्ञान में और त्याग में और शांति में बीच में कोई दूसरी रेखा नहीं है, कोई दूसरी विभाजक रेखा नहीं है। यदि आपके मन में अशांति है तो त्याग नहीं है, और यदि आपके जीवन में त्याग है तो अशांति होने का कोई कारण नहीं है। त्यागात शांति ही अनंतरम अंतरम यथा न स्यात् तथा यथा अंतरम न स्यात् तथा। त्याग और शांति के बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई अंतर नहीं है।
कोई परांश नहीं है, परांश डिफरेंस नहीं है, प्यार और शांति। जब जब आपके मन में अशांति हो तो आप समझना कि अपनी आत्मा से अलग जो कोई चीज है उसको मैं चाह रहा हूँ और न मिलने से मुझे अशांति हो रही है। ये नोट करो, जब आपके मन में अशांति होती है तब आपके जीवन में त्याग की कमी होती है। ज्ञानात् कर्म फल त्यागा, ज्ञान से बड़ा क्या है, कर्म फल त्याग। और त्याग और शांति तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। जो त्याग है सो शांति है, जो शांति है सो त्याग है। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अरे जा भाई ऐसे ऐसे रज्जव रोकन कीजिए, कोई कहे कहीं, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं ही रज्जव रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं ही। हाँ हाँ ठीक, नहीं तो जने जने से लड़ते फिरोगे, जने जने से भिड़ते फिरोगे, सारा जीवन तुम्हारा संघर्षमय हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा। जब तुम चाहोगे कि दूसरे का मन मेरे मन के अनुसार काम करे और वो नहीं करेगा तो तब तुम्हारे मन में जरूर जरूर अशांति आ जाएगी, क्योंकि तुम दूसरे के मन का त्याग नहीं कर रहे हो, अपने मन का भी त्याग नहीं कर रहे हो। तो त्यागी गोपियों ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, गोपियों की यही महिमा बताया, जा दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिर विमृग्या दुहंत्यो भेजु काश्य दोहम हित्वा पयोधिश्रित्य संजावम अनुद्वास्या पराजयुः तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा। कृष्ण के लिए उन्होंने सारी कामना छोड़ दी। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम रक्ता, हमने संपूर्ण विषयों का परित्याग कर दिया है और तुम्हारे चरणों की भक्त हैं। जा दुस्तेजम स्वजनम, अपने स्वजनों को भी छोड़ दिया और आर्ज पथ को भी छोड़ दिया। तो ये प्रश्न हुआ, ये तो आज भी कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जब जुड़ जाती है तो वे स्वजन का भी त्याग करते हैं और आर्ज पथ का भी परित्याग करते हैं, सगे संबंधियों को भी छोड़ देते हैं और अपने कुल की मर्यादा अपना धर्म भी छोड़ देते हैं। तब फिर गोपियों की विशेषता क्या रही, दो विशेषता रही, एक तो उन्होंने किसके लिए छोड़ा और दूसरा क्या उनका स्वजनों से और आर्य मर्यादा से प्रेम नहीं था। दुस्त्यजम स्वजनम दुस्त्यजम आर्य पथंच हित्वा, स्वजन दुस्त्यज थे, उनके संबंधी तो कृष्ण के संबंधी थे, उनकी माँ भी कृष्ण से प्रेम करती थी, उनके भाई भी कृष्ण से प्रेम करते थे, उनके पिता भी कृष्ण से प्रेम करते थे, उनका घर भी कृष्ण के काम आता था, उनका दही दूध भी कृष्ण के काम आता था, उनके पास जो गाय बैल थे वो भी कृष्ण के काम आते थे, उनके तो सारे स्वजन ही कृष्ण संबंधी होने के कारण दुस्त्यज थे, वे छोड़ नहीं सकते थे। और आर्यपथ धर्म
वो तो भगवत प्राप्ति का साधन है। अनिमित्त निमित्त न धर्मेण आराध्य माधव, धर्म के द्वारा तो भगवान की प्राप्ति होती है। अपने अपनी आर्य मर्यादा में भी उनका बड़ा प्रेम था, उन्होंने सुगम को नहीं छोड़ा, दुर्गम को छोड़ा, दुस्त्यज को छोड़ा। इसका अर्थ ये है कि त्याग के पहले उनके स्वजन उन्हें प्यारे थे, उनका आर्य पथ उन्हें बहुत प्यारा था, परंतु किसके लिए छोड़ा? बड़ी चीज के लिए छोड़ा, छोटी छोटी चीज के लिए। बेजुर मुकुंद पदवी, एक को छोड़ा पकड़ा किसने? हरि सो जोड़ी सबन सौ हो गए, हरि से जोड़ लिया और सबसे तोड़ लिया। भंजना भक्ति, भंजनम भक्ति, एक और भंजन किया और भजनम भक्ति ही दूसरी ओर भजन किया। भेजुर मुकुंद पदवी, श्री कृष्ण के रास्ते से चली, जहां भगवान के चरणारविंद मिलते हैं वहां चली। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा, जो मुक्ति दान करे संसार से छुड़ा ले उसका नाम मुकुंद। मुकुम मुक्तिम दियाति, जो मुक्ति का भी तिरस्कार करके खंडन करके प्रेम दान करे उसका नाम मुकुंद। मुंह मुखे कुंदवद हासो यस्य, जिनके मुखारबिंद में कुंद कली खिली रहती है, मुस्कुराते रहते हैं, उनके लिए। अरे भाई ये भी कोई प्रियतम होंगे, संसारी प्रियतम? बोले नहीं, श्रुति फिर भया, श्रुतियां मुकुंद पदवी का मार्गण अनुसंधान करती हैं, कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे। ये क्या माया है कि वेदांत विद्या भी स्वयं ब्रह्म विद्या भी मुकुंद पदवी का अनुसंधान करे, कहां मिलेगी? श्रुति भीर विमृग्याम नतु श्रुति भी प्राप्ताम, श्रुतियों को मिली नहीं, श्रुतियों ने ढूंढा। अद्यापि अद्यापि यत् पदरजः श्रुति मृग्यमेव, आज भी जिनके चरणों की धूली श्रुतियों के लिए मिल गई। अब इसका उपादन क्या है? उपादन ये है कि श्रुतियां जो हैं वो आत्म प्रेम का प्रतिपादन करती हैं। नवारे प्रत्युत्थाय प्रतिप्रियो भवति, नवारे जाया यही कामायो जाया प्रिया, आत्मनस्तु कामायो प्रतिप्रियो भवति, आत्मनस्तु कामायो जाया प्रिया भवति। अपने लिए आत्मा के लिए सब कुछ प्रेम, सब कुछ प्रिय लगता है अपने लिए। और गोपियां श्री कृष्ण के लिए अपने बाल संवारते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, पीती हैं, जीती हैं। निजांगम अपि जा गोपियो ममेति समुपासते, ताभ्य परम नमे किंचित निगूढ प्रेम वादनम। गोपियों का तो सारा प्रेम, सारा कार्य कलाप ही कृष्ण के लिए है। श्रुतियां कहती हैं अपने लिए सब कुछ है, और गोपियां कहती हैं कृष्ण के लिए हम हैं। कृष्णमेन मदेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, जितने परिच्छिन्न जीवात्मा हैं उनका वस्तुतः वास्तविक आत्मा श्री कृष्ण है, उसके लिए इनका आर्ग पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर विमृग्याम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामाः। ये त्याग की मूर्ति गोपी है। तो देखो ये न यज्ञशाला है और न अरण्य भूमि है, ये तो लोक में रहते हुए जो हम कर्म करते हैं
उसमें आज्ञा की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से धर्म होता है, चोदना लक्षण और धर्म, और उद्देश्य की दृष्टि से भगवदर्थ, उद्देश्य की दृष्टि से भक्ति होती है, निरोध की दृष्टि से योग होता है, और संपूर्ण प्रतीति मात्र है इस दृष्टि से ज्ञान होता है। तो आप त्यागी कैसे बनेंगे? सत्वे न समाविष्टा, जब आपके जीवन में सत्व। देखो स्वामी जी महाराज और हमारे स्वामी विद्यानंद जी महामंडलेश्वर सब देश विदेश की यात्रा करके आए हैं, वहां बड़े बड़े अनुभव दे के आए होंगे और बड़े बड़े अनुभव लेके भी आए होंगे। तो इनके सम्मुख से आप लोग कुछ श्रवण करोगे कि मनुष्य के हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु से भी राग द्वेष ना हो, किसी व्यक्ति से भी राग द्वेष ना हो, किसी क्रिया से भी राग द्वेष ना हो। राग द्वेष माने रंग जाना हो कि बस बस बस। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि उसको लेकर कह दें कि बस अब हमको इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। संसार की किसी वस्तु में, व्यक्ति में, क्रिया में, भाव में, स्थिति में यदि आसक्ति करोगे तो रहेगी नहीं, चली जाएगी। जब चली जाएगी तो दुख देगी। और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए द्वेष किया जाए, वो तो अपने आप ही बेचारे क्षीण हो रही है। उससे द्वेष करके क्या करना है, अपना दिल ही तो जलाना है। एक दिन एक आदमी गुस्से में आया उड़िया बाबा जी के पास, बोला कि बस महाराज अब तो हम उस आदमी को मार डालेंगे। तो बाबा थोड़ी देर के बाद बोले कि बेटा तू उसको क्यों मारता है, हत्या तुझे लगेगी, वो तो अपने आप ही मरने वाला है। उसने कहा हाँ बाबा अपने आप ही मरने वाला है। कहा बिल्कुल मर जाएगा, तू मारने का काम क्यों करता, हत्या क्यों करता। अब उसको संतोष हो गया। तो जो अपने आप मरने वाला है उसको क्या मारना, जो छूटने वाला ही है उससे क्या फंसना। ये संसार में किसी को सटाना, किसी को हटाना क्या जरूरत है। एक स्त्री को मैंने देखा था, उसको हाथ धोने में आ सकती है, बस जब देखो जब हाथ धो गए। हाथ धोना तो अच्छा काम है, परंतु तो घंटे घंटे भर हाथ धोती रहे, सड़ गई हो, उंगलियां सड़ गई, फिर सफेद हो गई, फिर फूल गई। तो डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने कहा कि इसके दिमाग में कुछ फर्क है। हॉस्पिटल में दाखिल हुई, मर गई। अपने हृदय को यदि कहीं बाहर सटाओगे तो वहां से छूटना पड़ेगा, और किसी को बिल्कुल हटा के रखना चाहोगे तो आवेगा जय। तो राग द्वेष जो है ये जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। मोहब्बत में भी फंसते हैं तो मरते हैं, नफरत भी करने लगते हैं तो मरते हैं। अब एक बात आपको दूसरी सुनाता हूं। मनुष्य को त्यागी होना चाहिए। त्यागी वैसे त्यागी तो सभी होते हैं। एक ने आके महात्मा को साष्टांग दंडवत किया,
महात्मा बोले क्यों रे, क्या बात है, इतना साष्टांग दंडवत क्यों करते हैं? बोले महाराज आप बड़े त्यागी हैं। तो महात्मा जी बोले कि हमसे बड़ा त्यागी तो तू है। अरे ना महाराज, हम क्या कहते हैं, तो हमने तो ईश्वर को पाने के लिए संसार का त्याग किया है, बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज छोड़ी है, और तूने तो संसार पाने के लिए ईश्वर का त्याग किया है, इतनी बड़ी वस्तु का। तो त्यागी तू बड़ा है, त्यागी मैं बड़ा नहीं हूं। तो त्याग की बात है, त्याग में विवेक की आवश्यकता होती है। तो विवेक भी दो तरह का होता है, एक अंध परंपरा से आया हुआ विवेक और एक समझदारी से विवेक। अंध परंपरा से विवेक कौन सा आता है, जैसे गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, वो कौन सी घास उनको खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए, ये विवेक पशुओं में भी होता है। अपने बछड़े को गाय दूध पिलाती है, दूसरे के बछड़े को नहीं पिलाती, परंतु वो अंध परंपरा से आया हुआ विवेक है, उनकी अपनी समझदारी नहीं है। इसलिए कई गायों के सामने जब उनका बछड़ा मर जाता है तो बछड़े की खाल में घुस भर के ले जाकर उसके सामने खड़ा कर देते हैं और वो दूध देने लगती है, उसको जिंदा मुर्दा का विवेक नहीं। तो त्याग और ग्रहण में विवेक की आवश्यकता होती है कि क्या चीज छोड़ें और क्या चीज न छोड़ें। विवेक के बिना जो त्याग होता है या ग्रहण होता है वो मूर्खता पूर्ण होता है। विवेक अपना जागना चाहिए। अब विवेक भी तामस विवेक, राजस विवेक, सात्विक विवेक, तमोगुणी विवेक तो यही है कि सो जाओ मजे में रहोगे, कौन काम करे, अरे काम धंधे में क्या रखा है। रजोगुणी विवेक है कि चलो सिनेमा देख लें, गम गलत कर लें, हंसी में खेल में कैसे भी अपना दुख भुलाएं। एक बड़े वृद्ध विद्वान सज्जन गीता प्रेस में हमारे साथ रहते थे, बड़ी उम्र के थे और विद्वान भी बड़े थे, तो वो प्रायः हंसी के विनोद के चुटकुले सुनाया करते थे, प्राय जब मिले जब हंसा दिया। तो उनको कभी कभी बुरा लगे कि दिन रात जब देखो जब हंसाते हैं। तो हमारे एक मित्र ने बताया, देखो इनका एक जवान बेटा मर गया, पांच लड़कियों में से चार विधवा है और घर में खाने को अन्न नहीं है, 200 रुपया महीना, यद्यपि उनको 4-5 हजार रुपया महीना दिया जाए तब भी उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है, 200 रुपया महीना निर्वाह के लिए गीता प्रेस वाले इनको देते हैं। एक छोटा लड़का है वो पागल शरीफा, यदि ये हंसी विनोद में न रहे, चुटकुले न कहते रहे, हंसते हंसाते न रहे तो मर जाएंगे। मनोरंजन की आवश्यकता ही किसको पड़ती है बहुत सृष्टि में, जिसके भीतर बहुत दुख रहता है वो बाहर से हंसी खेल मनोरंजन की सामग्री समेट पावे और खुश रहने की कोशिश करता है। विवेक कहाँ से होना चाहिए? एक विवेक ने कहा कि सो जाओ, एक विवेक ने कहा कि सिनेमा देख जाओ, एक विवेक ने कहा कि भगवान की भक्ति कर लो, पूजा कर लो। तो आप त्याग कहाँ बैठकर करते हैं, प्रश्न ये
तो त्यागी सत्व समाविष्टा, आप त्याग तो कीजिए परंतु सत्व गुण में बैठकर त्याग कीजिए। स्वत्याग सात्विको मतलब आपका चित्त खूब प्रसन्न रहे, निर्मल राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन, कहीं राग न हो कहीं द्वेष न हो, मन निर्मल हो प्रसन्न हो, इंद्रियां अपने वश में हो, मन आज्ञाकारी हो, इंद्रियां हो वश में, मन आज्ञाकारी हो और खूब प्रसन्नता से भरे हुए हो, संसार में किसी के राग द्वेष में ना हो, सत्व में बैठकर त्याग कीजिए, सत्व गुण में बैठकर त्याग कीजिए। पागलपन में त्याग करने का नाम त्याग नहीं है, नशे में त्याग करने का नाम त्याग नहीं है, जूस में आके लुटा देने का नाम त्याग नहीं है। त्याग के लिए सत्व में माने विवेक और विज्ञान का जहां उदय होता है उस अंतकरण में बैठकर आप त्याग कीजिए। सत्व माने समस्त सत्व, कहते हैं जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो ईश्वर से एक हो जाता है। क्यों एक हो जाता है? क्योंकि ईश्वर की उपाधि सत्वगुण है। तो जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं तो हमारा दिल ईश्वर के दिल से मिल जाता है, और जब दिल दिल दोनों एक हो गए तो आत्मा के अलग अलग होने का तो कोई कारण ही नहीं रहता है। मन का ही अलगाव है, वो स्त्री पुरुष का अलगाव नहीं है, दोस्त दुश्मन का अलगाव नहीं है, बाप बेटे का अलगाव नहीं है, मन का ही अलगाव है। जहां मन एक हो गया ईश्वर के मन से, हमारा मन मिल गया सत्व है, ईश्वर का मन भी सत्व है, हमारा मन भी सत्व है। जहां विशेषताएं न मालूम पड़े केवल सत्य ही मालूम पड़े उसका नाम सत्व है, अस्तित्व मात्र। अब इस त्याग के बारे में आपको दो बात और सुनाता हूं। एक होता है निराधार त्याग और एक होता है साधार त्याग। तो यदि प्रबल वैराग्यवान पुरुष हो तो निराधार त्याग भी कर सकता है, पर वैराग्य बड़ा प्रबल है। एक उपाख्यान है, कथा है, योगवासिष्ठ। बृहस्पति के पुत्र का नाम था कच्छ। उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन किया, और मैं बड़ा भारी विद्वान हूं ये अभिमान लेकर अपने घर लौटे। तो बृहस्पति ने पूछा, देखा कि बेटा पांव नहीं छूता है, प्रणाम नहीं करता है, बड़ा भारी विद्वान होके आया और विनय इसमें नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। हड्डी मांस चाम को मैं समझ के और छाती तान के खड़े रहना, ये कोई विद्या का लक्षण नहीं है। एक बार की बात है, एक विद्वान आए थे, बहुत बड़े नेता भी विद्वान भी, गीता प्रेस के बगीचे में कीर्तन हो रहा था, वो आए तो उनको महाराज सिर झुकाने की आदत नहीं थी। उनके साथियों ने कहा कि ये भगवान की मूर्ति है, आप प्रणाम कीजिए, तो ऐसे तने हुए उन्होंने ऐसे हाथ करे। इस हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र के शरीर को इतना बड़ा मान बैठना कि ये किसी के सामने झुकने के लिए नहीं है,
ये विद्या का लक्षण नहीं है, ये अविद्या का लक्षण है। तुम चेतन से एक नहीं हुए हो, जड़ से एक हुए हो। जब सारी विद्या प्राप्त करके कच आया और बृहस्पति को अपने पिता को प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की क्या दशा हो गई। यही की बात है बंबई की। एक बेटा 3 बरस अमेरिका में अध्ययन करके, मैनेजमेंट का अध्ययन करके आया। तो जब यहाँ था तब तो वो लहसुन प्याज कुछ खाता नहीं था, सिगरेट विगरेट पीता नहीं था। वहाँ से लौटा, उसकी माँ गई थी स्टेशन लेने को एरोप्लेन पर। तो वो आके मोटर में बैठ गया और सिगार लेके खींचने लगा कस, और फिर अपनी माँ से बतावे कि मैंने अमेरिका में क्या क्या खाया है ना, और वहाँ क्या क्या किया। सच 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 बताया, पर ओ बोले बड़े अभिमान के साथ, बोले मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब माँ की आंख में तो आंसू आने लगे, रोने लग गई कि हमारे बेटे का क्या हुआ। यहाँ तो ऐसा काम इसने कभी नहीं किया था, वहाँ जाके कैसे किया। तो मोटर सीधे हमारे पास गया, अपने घर ले जाने से पहले बोले स्वामी जी को प्रणाम करके चले, और मेरे पास जब बैठी तब उनकी आंख से झर 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 आंसू गिरे। तब उसने पूछा, माँ मेरे आने पर तुमको खुश होना चाहिए, तुम रोती क्यों। बोले कि बेटा तुम्हारे बाप ने दादा ने हमेशा माँ बाप का आदर किया, कभी सिगरेट नहीं पिया, और तुमने जाके वहाँ ऐसा खाया ऐसा पिया ऐसा करके आए हो, अब यहाँ भी यही करोगे तो मैं कैसे जीऊंगी।